पटना के फल मार्केट में काफ़ी भीड़ है और लगातार लोग फल खरीदने आ रहे हैं। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर फल दुकानों में भीड़ है। अगर दाम की बात करें तो वहाँ ग्राहकों का कहना है कि इस बार फल ज़्यादा सस्ता है। रेट की बात करेंगे तो सेब 200, नाशपाती 125, संतरा 200, केला 100 रुपये दर्जन है। ग्राहकों का कहना है कि फल महंगा हो गया, सस्ता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावन पर्व छठ है तो फिर महंगाई का कोई असर नहीं। छठ की शुरुआत आज से निहाय खाए के साथ ही हो गई है। चार दिनों का यह पवित्र अनुष्ठान चार दिन तो चलेगा और पटना का जो इनकम टैक्स चौराहा का जो ये फल मार्केट है, यहाँ सबसे ज़्यादा फलों की बिक्री होती है। और हम आपको दिखा रहे हैं नज़ारा, ग्राहक लगातार आ रहे हैं और यहाँ चूँकि निश्चित तौर पर फल या किसी भी वैसी चीज़ जो पावन पर्व छठ में लोग यूज़ करते हैं, महंगाई का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ पाता है। ये नज़ारा पटना के हम आपको इनकम टैक्स चौराहे का दिखा रहे हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके के हालात हैं और क्या रेट है, किस तरीके के रेट है, किस तरीके से बाबा क्या रेट है फल का, क्या रेट है बताइए तो फल का, क्या मतलब और दिनों के पीछे फल वा, फल सस्ता, फल महंगा नहीं है, फल नहीं है, नहीं सस्ता है। हाँ, ग्राहक कब आना शुरू हो गया? ग्राहक देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जो भी होगा कल परसों के बाद ही होगा। मार्केट तो हर साल लगता है, देखिए मार्केट यहाँ हर साल लगता है और ग्राहकों की भी आवाजाही शुरू हो गई है। यहाँ अगर आपको लेना है तो सभी तरीके के फल मिलेंगे और पूरी मार्केट यहाँ सज चुकी है। निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद कहीं ना कहीं कहा यही जा सकता है कि शायद इस फल मार्केट में कह सकते हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद है धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, कही कही आलम जी, पर्व सभी के परिवार में होता है, जिनके घर में होता है वो जरूर हर जगह कहीं ना कहीं से फल खरीदेंगे और खासकर इनकम टैक्स गोलम्बर तो फल के लिए मशहूर जगह है। ये देखिए निश्चित तौर पर ये यहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा के प्रति ये बहुत गंभीर भी रहते हैं। ट्रैफिक में है लेकिन फिर भी सुरक्षा के प्रति गंभीर रहते हैं और ये पूरा जो है फल मार्केट का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ ग्राहकों की लंबी भीड़ है। और लेकिन कह सकते हैं जो दुकानदार हैं उनका कहना है इस बार फल सस्ता है, फल महंगा नहीं है, महंगाई का असर फलों पर नहीं है। सहयोगी श्याम के साथ मुर्गोबालम कशिश पटना।